स्टूडेंट, आज मैं लाइनिंग के बारे में बताऊंगी। लाइनिंग के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व और स्लेटिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन होती है ये खड़ी रेखा होती है, स्लीपिंग होती है ये सीधी रेखा होती है ऐसे, कर्व होता है ये यहाँ 2 डॉट लगा लिया, यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया, ये हुआ करो। स्लेटिंग लाइन होती है ये टेढ़ी और जैसे दीवार की स्त्री ऐसी होती है, स्लेटिंग हो गई ये, स्लेटिंग हो गई। स्लेटिंग लाइन से हम A4 एप्पल भी बना सकते हैं, जैसे 3 डॉट लगा लिए यहाँ से, ये 2 स्लेटिंग लाइन हो गई, 2 स्लेटिंग लाइन, यहाँ पे 1 स्लीपिंग लाइन, ये होगा A4 एप्पल। यहाँ पे है स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन से हम बनाएंगे B4 बॉल, यहाँ स्टैंडिंग लाइन हो गई, ये हाफ कर्व होगा, ये हाफ, ये भी हाफ कर्व होगा, ये होगा B4 बॉल। यहाँ 2 डॉट लगाएं, C4 कैट बनाएंगे अब, ये यहाँ से यहाँ कर्व की स्त्री से बना दिया, C4 कैट बनेगा। स्टैंडिंग लाइन से बनाएंगे D4 डॉग, यहाँ से स्टैंडिंग लाइन ऐसे बना दी, यहाँ से यहाँ मिला दिया, ये बन गया D4 डॉग। E4 एलिफेंट बनाएंगे हम, स्टैंडिंग लाइन हो गई, यहाँ 3 डॉट लगा दिया, यहाँ 3 स्लीपिंग लाइन यहाँ खींच देंगे, 1 स्लीपिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन, 3 स्लीपिंग लाइन। यहाँ F4 फेस बनाएंगे अब हम, यहाँ स्टैंडिंग लाइन हो गई, यहाँ पे भी 2 डॉट लगा दी, यहाँ से यहाँ मिला दिया, ये होगा F4 फेस।